गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियोस। तो आज आए हुए हैं एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में जिसका नाम वहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, और ये एड्रेस है अपना कंकड़बाग एरिया का है। पटना जंक्शन से बस 500 मीटर की दूरी पे है, जो कंकड़बाग रोड है उसमें थोड़ा सा आगे बढ़कर राइट लेना है बस। और यहाँ पर सामने आप लोग देख सकते हो स्वीट बॉक्स जिम है, काफ़ी फेमस जिम है यार, महंगा भी है, ये भी महंगा ही है ऐसे। तो चलो दिखाते हैं यहाँ पर का क्या क्या सीन है और क्या क्या है। थोड़ा बहुत सिनेमेटिक शॉट भी ले लूँगा जिसको मैं ऐड कर दूँगा आगे। और ये एक इनका पर्सनल यहाँ पर, चलो अंदर चलते हैं अब। ये देखो यहाँ पर बहुत क्राउडेड है गाइस, इतना क्राउड देख के तो मैं बहुत ही नर्वस हो गया। और यहाँ का मेन्यू भी मेरे को उतना अच्छा से समझ में नहीं आ रहा है क्या ऑर्डर करूँ। थोड़ा एक्सपेंसिव है पर चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत सह लेंगे। लेकिन बहुत प्यारा सा मेन्यू है यार, यहाँ वुडन फिनिश दिया गया इसमें, जैसे लग रहा है कि इतना अच्छा तो हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए कार्डबोर्ड लेकर भी नहीं जाते थे इतना अच्छा यहाँ पर दिया गया है। और ये देखो अपना ग्लास बॉक्स का लोगो, और ये कुछ प्राइस लिस्ट है वो आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को इतना में मतलब इतना चलेगा प्राइस रेंज तो यहाँ पर आ सकते हैं आप लोग। ऐसा ही है ऐसे, मतलब अब नहीं यार देखो हर के लिए मनी अलग अलग फैक्टर होता है, किसी के लिए सही हो सकता है किसी के लिए नहीं, हमारे लिए सही था तो इसलिए हम लोग आए। चलो ज़्यादा मेन्यू दिखा के आपको बोर नहीं करते हैं, आप लोगों को ब्यूटी दिखाते हैं देखो इसका नाम जानते हो गाइस ग्लास क्यों रखा गया है, क्योंकि देख सकते हो वहाँ एक बड़ा सा ग्लास लगा हुआ है, और ये मतलब इसमें चारों तरफ विंडो के जगह ग्लास लगाया गया है। लेकिन इसका नाम जानते हो आप लोग ग्लास बॉक्स क्यों रखा गया, ग्लास व्यू क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि बाहर व्यू ही नहीं है, ग्लास के अंदर ही जो है, तो वही बोला गया ग्लास और अंदर मतलब ग्लास बॉक्स, मतलब बॉक्स के अंदर जो व्यू है वही प्यारा है, ग्लास के बाहर कुछ नहीं। अभी मैं बाथरूम में भी यार ब्लॉगिंग कर रहा हूँ क्योंकि बाहर में बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, कुछ बात नहीं कर पा रहा हूँ आप लोगों से। तो अभी यार सही है, बाथरूम वगैरह सही है यहाँ पर, और अच्छा है बाहर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया, मिरर सेल्फी पॉइंट, लाइट वाइट लगाया गया, मिरर है बड़ा सा, मतलब ग्लास बॉक्स नाम है इसलिए एक बड़ा सा मिरर भी लगा दिया गया है। तो वहाँ पर एक सेल्फी वगैरह भी लेंगे, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। और रिव्यू क्या दूँ, सही है, अच्छा है, थोड़ा प्रीमियम है, थोड़ा क्या काफ़ी प्रीमियम है यार, पटना के लिए तो काफ़ी प्रीमियम है। और ये देखो ये टिशू पेपर यार अच्छा वाला है, नाइस वाला सब कुछ है यहाँ। तो चलो चलते हैं फिर बाहर जाकर, बाहर से ज़्यादा हम ऐसे बोल नहीं पाएंगे इसलिए मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ेगा, घर जाकर फिर थोड़ा बहुत मैं क्लिप शॉट ले लूँगा उसको, फिर मैं सिनेमेटिक में ऑडियो के साथ ट्यून कर दूँगा। चलो तो ये एक मिरर नहीं है गाइस, ये आप लोग देख सकते हो ऐसा फील होता है मिरर है, पर इसके आप अंदर तक जा सकते हो क्योंकि सामने में एक मिरर लगा हुआ है। और ये रही अपनी टीम, ये देखो गाइस ये कुछ बाहर का व्यू है इवनिंग टाइम के लिए, ओपन में मस्त गार्डन बनाया गया है। और ये देखो अपना रोड, ये देखो यहाँ पर अगर आप बर्थडे के लिए स्पेशल रूम बुक कराना चाहते हैं तो भी करा सकते हैं, पर यही है कि आपको थोड़ा सिक्योरिटी इशू हो सकती है क्योंकि ये ग्लास ओपन है, तो प्लीज़ ओपन ग्लास है तो प्लीज़ चादर वादर लेकर आए और बत्ती बुझा दे चोर तभी अंदर घुस सकता ये। चलो यहाँ पर हो गया सारा कुछ बिलिंग वगैरह, अब चलो चलते हैं घर की ओर। देखो यार सन यार फ्लाइट, इवनिंग में कुछ इस टाइप से अच्छा लगता है यार, देखो
चलो अब चलते हैं अपना, यहाँ लिफ्ट लगा, यहाँ गाइस बेकरी भी है। और अब हम लोग चलते हैं, अब इस ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, 5 मिनट का ही ब्लॉग था। अब नेक्स्ट ब्लॉग में आपको अच्छे से डिटेल देंगे, कभी और आएंगे तो। जीरो, चलो गाइस, जीरो के जैसे शून्य बोलते तो कैसा लगता। चलो यहाँ 544 किलो वाला आदमी आया नहीं है भाई, हम लोग इनडायरेक्टली जोक मारते हैं ना। ये भाई अंकल सही थे, भाई अंकल सही थे इसलिए ना कि यहाँ आए थे, नहीं तो नहीं सही रहते ये मेरे का। यस प्रणाम। चलो बाइक लेते हैं, अब चलते हैं। आज के डेट नहीं, वो देखो स्वीट बॉक्स के सामने ही था ये अपना। चलो बाय।